दिन भर ऊर्जावान रहने के लिए। बस तुम्हें आज के बौद्ध कहानी में बताई गई एक चीज को खाना होगा। तो चलिए दर्शकों, कहानी की शुरुआत करते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे तरीकों के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका 15 दिन प्रयोग करने से आपका दुबलापन खत्म हो जाएगा और आप पहले से ज्यादा ऊर्जावान और एनर्जेटिक महसूस करोगे। कोई ऐसा जूस पिया जाए जो आपके दुबलेपन को, आपके पतलेपन को समाप्त कर दें। और दोस्तों, दुबलेपन दूर करने के साथ साथ वह जूस आपको अनेकों बीमारियों से भी बचाएगा। इस जूस को बनाने के लिए आपको 5 चीजों की आवश्यकता होगी। दूध, केला, पिंड खजूर, भुने हुए चने और गुड़। सबसे पहली चीज जो है वो हम केला लेंगे। केला हर घर में आसानी से उपलब्ध हो सकता है। दोस्तों, केले में आयरन की अधिक मात्रा होती है। इसमें विटामिन B6 भी होता है जिससे आपका वजन बढ़ता है, आपका तनाव दूर होता है और आपको अनिद्रा की कोई समस्या है तो वह भी आपकी दूर होती है। दोस्तों, केले में फाइबर की बहुत ही अच्छी मात्रा पाई जाती है जिससे आपका पाचन सुधरता है और आपको कब्ज से राहत मिलती है। इसमें प्राकृतिक शर्करा होने के साथ साथ विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो आपके शरीर को लंबे समय तक स्वस्थ बनाए रखते हैं। केला हृदय रोग की समस्या को कम करने में सहायक होता है क्योंकि इसमें पोटेशियम होता है जो रक्तचाप को नियंत्रित रखता है। दोस्तों, साथ ही इसमें विटामिन सी भी होता है जो आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाए रखता है। त्वचा की सेहत के लिए भी केला बहुत फायदेमंद है क्योंकि इसमें विटामिन ए और विटामिन B6 होता है जो आपकी त्वचा को निहारता है और आपकी त्वचा को स्वस्थ बनाए रखता है। और इसके अलावा केला बूस्ट ऑफ एनर्जी भी प्रदान करता है जो दिन भर की गतिविधियों के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसमें फैट और कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ उच्च पोटासियम की मात्रा के कारण यह एक अच्छा खाद्य पदार्थ होता है। केला पोटेशियम से भरपूर होता है जो किडनी को साफ और स्वस्थ रखने में मदद करता है। तो दोस्तों, इतने सारे फायदे आपको बनाना में मिल जाएंगे। इसके बाद हमारी दूसरी चीज आती है, गुड़। दोस्तों, गुड़ जो होता है वह कार्बोहाइड्रेट का एक पावर हाउस होता है। यह आपको एनर्जी से भर देता है और आपकी हड्डियों को मजबूत करता है क्योंकि दोस्तों, गुड़ में बहुत सारे पोषक तत्वों के साथ कैल्शियम और फॉस्फोरस भी भरपूर मात्रा में होता है जो हमारी हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। खासकर दोस्तों, बढ़ती उम्र के साथ आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और छोटे छोटे बच्चों की जो हड्डियां होती हैं वह कमजोर रहती है, तो ऐसे में गुड़ खाना उनके लिए बेहद लाभकारी हो सकता है। और दोस्तों, इसके साथ ही गुड़ में आयरन की मात्रा भरपूर होती है जो आपके शरीर में कभी भी खून की कमी नहीं होने देगा। गुड़ हमारी त्वचा को सुरक्षित रखता है क्योंकि गुड़ जो है वह हमारे शरीर से, हमारे खून से हानिकारक चीजों को बाहर निकालकर त्वचा की सफाई का ध्यान रखता है और हमारी त्वचा को बेहतर बनाता है, रक्त संचार को बेहतर करता है। इसके साथ ही गुड़ जो होता है वह हमारे पेट में गैस बनने की समस्या को भी दूर करता है। गुड़ हमारे मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। इसके अलावा गुड़ गले और फेफड़ों के संक्रमण के इलाज के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है। गुड़ में मौजूद पोषक तत्व जो होते हैं वह हमारे शरीर में स्टैमिना बढ़ाकर हमें दिन भर ऊर्जावान रखते हैं। जिन लोगों को आंखों से संबंधित कोई भी समस्या है, जिनकी आंखों की रोशनी कम हो गई है, उनके लिए गुड़ खाना बेहद जरूरी है क्योंकि दोस्तों, जो गुड़ होता है वह हमारी आंखों की रोशनी को बढ़ाता है और आंखों की रोशनी जो कम होती है उसको बढ़ाकर सही करता है। इसके साथ ही गुड़ हमारे दिमाग को स्वस्थ रखता है। माइग्रेन जैसी बीमारी को ठीक करने की ताकत इस गुड़ में होती है। इसके साथ यह हमारी याददाश्त के लिए बहुत अच्छा होता है। इससे हमारी याददाश्त जो है वह बेहतर बनती है दोस्तों। इसके बाद आती है हमारी तीसरी चीज, पिंड खजूर, जो हमें हमारे घर में आसानी से मिल सकती है या फिर हम इसे आसानी से खरीद भी सकते हैं। दोस्तों, यह प्राकृतिक फाइबर का अच्छा स्रोत होने के कारण शरीर में ऊर्जा बढ़ाने के लिए यह बहुत ही लाभदायक है और यह हमारे थकान को दूर करता है। पिंड खजूर कैल्शियम और मैग्नीशियम का अच्छा स्रोत होने के कारण यह हमारे हड्डियों की कमजोरी को दूर करता है और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियों से हमें बचाए रखता है। पिंड खजूर में मौजूद फाइबर हमारी पाचन क्रिया को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। यह हमें कब्ज से राहत दिलाता है
और पेट फूलने की समस्या से हमें बचाए रखता है। अगर आप इसका नियमित सेवन करते हैं तो आपका पेट कभी नहीं फूलेगा और आपको कब्ज की समस्या कभी नहीं होगी। कैल्शियम और पोटासियम जैसे पोषक तत्वों से भरपूर यह पिंड खजूर आपके रक्त वाहिकाओं को आराम देता है और रक्त प्रवाह को बेहतर बनाए रखता है। इसमें कैल्शियम और पोटासियम जैसे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं जो हाई ब्लड प्रेशर को कम करने और बीपी को सामान्य रखने में मदद करते हैं। यह आपकी चिंता, तनाव और अनिद्रा को दूर करता है और आपको ऊर्जावान बनाए रखता है। अगर आपको नींद ना आने की समस्या है तो यह पिंड खजूर जो है वह आपकी इस समस्या से छुटकारा दिला देगा। दोस्तों, यह आपके शरीर में खून की कमी को दूर करता है और इसमें प्रोटीन भी होता है जो आपके बालों और त्वचा के लिए बहुत ही जरूरी है, जो आपके बालों और त्वचा को बेहतर बनाता है। दोस्तों, पिंड खजूर से आपकी त्वचा पर नेचुरल ग्लो आता है और त्वचा और बालों से संबंधित कई समस्याएं आसानी से दूर हो जाती हैं। इसमें फाइबर बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है जिससे यह पाचन को बहुत ही बेहतर बनाता है और साथ ही पेट में गैस, अपच और ब्लोटिंग जैसी कई समस्याओं से आपको बचाता है। यह आंत में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाता है और आंतों में होने वाले छालों से आपको बचाता है। और दोस्तों, अब हमारी चौथी चीज आती है, भुने हुए चने। दोस्तों, चने में बादाम जैसी ताकत होती है और इसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो शरीर में नए सेल्स को बनाता है और आपके शरीर में मसल बिल्डिंग में आपको मदद मिलती है जिससे आपके शरीर का एनर्जी लेवल बना रहता है। दोस्तों, भुने हुए चनों में कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस उच्च मात्रा में होता है जो आपके हड्डियों के खनिज घनत्व को बढ़ाने में और आपकी हड्डियों को मजबूत करने में आपकी काफी मदद करते हैं। दोस्तों, भुने हुए चनों में एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी भी होता है जो आपकी त्वचा के लिए बहुत ही बेहतर साबित होता है और यह आपकी त्वचा की कोशिकाओं को नुकसान होने से बचाता है और आपकी त्वचा पर जो दाग धब्बे हो जाते हैं उनसे आपकी रक्षा करता है। अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो आपके चेहरे के जो दाग धब्बे हैं वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, कई बार किसी किसी के चेहरे पर झुर्रियों पड़ जाती है, तो दोस्तों, जो ये भुना हुआ चना होता है इसमें मैग्नीशियम होता है जो आपकी झुर्रियों को कम करने में आपकी मदद करता है और आपके चेहरे को चमका देता है, आपका चेहरा चमक उठता है। इसके बाद दोस्तों, हमारी पांचवी चीज जो है वह है दूध। दोस्तों, दूध का सेवन करने से नींद ना आने की समस्या यानी अनिद्रा से छुटकारा मिलता है, क्योंकि दोस्तों, दूध में अमीनो एसिड पाया जाता है जो आपकी नींद को बेहतर बनाता है। और दोस्तों, दूध में कैल्शियम भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है जिससे आपकी हड्डियां मजबूत बनती हैं। कैल्शियम आपकी हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है जो दूध में अच्छी मात्रा में मिल जाता है। दूध में मौजूद कैल्शियम, मैग्नीशियम और प्रोटीन जो होते हैं वह आपके शरीर में पोषक तत्वों की मात्रा को संतुलित करते हैं और यही वजह है कि दूध का सेवन करने से शरीर में मधुमेह का खतरा जो होता है वह काफी कम हो जाता है। दूध में प्रोटीन बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है और प्रोटीन का सेवन करने से शरीर का एनर्जी लेवल बना रहता है, आपके शरीर में ताकत आती है, जान आती है। दूध हमारी त्वचा के लिए बेहद फायदेमंद है। जब हम दूध का सेवन करते हैं तो इसका सीधा सा असर हमारी त्वचा पर पड़ता है, क्योंकि दूध का सेवन करने से हमारी त्वचा चमकदार और साफ दिखाई पड़ती है। इसके अलावा दूध का सेवन करने से त्वचा पर जो ब्लैक हेड्स होते हैं वो भी अच्छे से साफ हो जाते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि दूध में कैल्शियम की अच्छी मात्रा होती है और कैल्शियम हमारे दांतों के लिए बेहद अच्छा साबित होता है। लेकिन दोस्तों, कहीं बार कहीं लोगों को दूध से प्रॉब्लम होती है तो ऐसे में वह दूध की जगह दही या फिर पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं इस जूस को बनाने में। अब दोस्तों, हम जानते हैं कि इस जूस को आपको कैसे बनाना है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको भुने हुए चने लेने हैं और उनका छिलका आपको हटा देना है। दोस्तों, चनों से छिलका हटाने के बाद आप इसे मिक्सी के जार में डालिए और इसे अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। ग्राइंड करते समय आप इसमें दो इलायची भी डाल सकते हैं जो इस जूस को स्वादिष्ट बनाने में सहायक होगा। दोस्तों, चनों को पीसने के बाद उन्हें निकालकर बाहर रख देना है। इसके बाद आपको पिंड खजूर लेने हैं। 6 से 7 पिंड खजूर लेकर उन्हें अच्छे से धोना है और फिर एक सूती कपड़े से उनको अच्छे से साफ कर लेना है।
साफ करने के बाद उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है और उनसे उनकी जो गुठली होती है उनको बाहर निकाल देना है। दोस्तों, गुठली निकालने के बाद फिर से उन्हें पानी में डुबो देना है, जिससे वह जो पिंड खजूर हैं वह बिल्कुल नरम नरम हो जाएंगे। दोस्तों, इसके बाद आपको एक केला लेना है, उस केले के छिलके को आपको उतार देना है और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर मिक्सी में डाल देना है। इसके बाद आपको भुने हुए चनों का जो पाउडर आपने बनाया था उसको भी मिक्सी में डाल देना है। इसके बाद जो आपने 6 से 7 पिंड खजूर काटे थे उनको भी उसमें डाल देना है। इसके बाद मिठास के लिए थोड़ा सा गुड़ आप मिक्सी के जार में डाल दीजिए। इसके बाद 1 कप दूध लीजिए और उसको भी मिक्सी में डालकर इन 5 चीजों को अच्छे से पीस लीजिए, अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी भी डाल सकते हैं और इसको ग्राइंड कर सकते हैं। इसके बाद आपको बहुत ही अच्छा, स्वादिष्ट और ताकतवर जूस बनकर तैयार मिलेगा। इसके बाद अगर आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, जैसे काजू, पिस्ता, बादाम। ये दिखने में बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ते हैं और ये बहुत ही ताकतवर होते हैं। ये आपके जूस को और भी ज्यादा ताकतवर बना देंगे। इसके बाद आपका जूस बनकर तैयार हो जाएगा और आप इस जूस को पी लीजिए। ये जूस जो है वह बहुत ही फायदेमंद होगा और 15 दिन के अंदर अंदर आपके शरीर की कमजोरी को दूर करेगा और आपका जो वजन है वह भी बढ़ेगा। दोस्तों, ये जूस जो है वह बिल्कुल फायदेमंद है, इसका कोई भी नुकसान आपको नहीं मिलने वाला है। दोस्तों, इस जूस में डाली गई हर चीज बहुत ही फायदेमंद है, बहुत ही ज्यादा गुणों से भरपूर है। इसके कारण इस जूस के फायदे ही फायदे आपको मिलेंगे, एक भी नुकसान आपको इस जूस से नहीं मिलने वाला है। दोस्तों, बहुत से लोग जो हैं वह मोटा होने के लिए, अपना वजन बढ़ाने के लिए बहुत सारी दवाइयों का प्रयोग करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें फायदे की जगह बहुत बड़ा नुकसान झेलने को मिलता है। अगर आप वजन बढ़ाना चाहते हैं, अपने शरीर की ताकत को बढ़ाना चाहते हैं, तो इस जूस को 1 महीना पी के देखिए। इसके आपको फायदे ही फायदे मिलेंगे, इसका एक भी नुकसान आपको नहीं मिलने वाला है। दोस्तों, आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आप इसे ऐसे भी तो खा सकते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। एक एक चीज को खाने की जगह अगर आप इन 5 चीजों को एक साथ मिक्स करके खाएंगे तो इनके बहुत ही गजब के फायदे आपको मिलेंगे और तेजी से आपके शरीर को ये लगेंगे। इस जूस को पीने के बाद आपके चिपके गाल जो हैं वो मोटे हो जाएंगे, आपकी आंखें जो नीचे धस चुकी हैं वो सही हो जाएगी, आपके शरीर में जो हड्डियां दिखाई पड़ती हैं वो दिखाई नहीं पड़ेगी और आपका शरीर जो है वह ऊर्जावान और ताकतवर दिखाई पड़ेगा। ऐसी बहुत सारी परेशानियां इस जूस को पीने से दूर हो जाएंगी। तो इसीलिए दोस्तों, 1 महीना आप इस जूस को जरूर पिए। अगर आप हमेशा ही थकान से परेशान रहते हैं, अगर आप थोड़ा सा काम करने पर ही थकने लगते हैं, अगर आपको हमेशा ही कमजोरी महसूस होती है, चक्कर आते हैं, तो आज मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने वाला हूं जिनको अगर आप हर रोज खाते हैं तो मात्र 10 दिन के अंदर अंदर ही आपके शरीर की सारी कमजोरी दूर हो जाएगी और आप ऊर्जावान और ताकतवर महसूस करोगे। एक बार एक आयुर्वेदिक गुरु अपने कुछ शिष्यों को शरीर की ताकत के बारे में बता रहे थे। उन्होंने अपने शिष्यों को कहा कि अगर तुम सुबह सुबह यह एक चीज खा लोगे तो कभी भी शरीर में कमजोरी नहीं होगी। वह गुरु सभी शिष्यों से कहते हैं कि बेटा, हमारे शरीर में कमजोरी तब होती है जब हमारे शरीर में किसी चीज की कमी होती है, लेकिन अगर तुम अपने शरीर की कमी को ढूंढकर उसकी पूर्ति कर लेते हो तो तुम्हारे शरीर में फिर से ताकत आ जाती है। देखिए, शरीर की ताकत को बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी क्या है, पहले उसके बारे में बात करते हैं। पहला, अगर आपके शरीर में लोहे की कमी है तो आपका शरीर कभी भी ऊर्जावान नहीं रह सकता है। दूसरा, अगर आपके शरीर में मैग्नीशियम की कमी है तो आपका शरीर जो है वह कमजोरी महसूस करेगा और आप में आलस्य भी पनपेगा। तीसरा, अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है तो यह भी आपकी कमजोरी का कारण हो सकती है। और चौथा, अगर आपके शरीर में ओमेगा-3 फैटी एसिड की कमी है तब भी आपका शरीर कमजोर महसूस करेगा। इसके बाद वह गुरु अपने सभी शिष्यों को कहते हैं कि अगर तुम सभी इन 4 चीजों की कमी को अपने शरीर से दूर कर दो तो तुम्हारा शरीर ताकत से भर जाएगा और तुम्हें कभी भी आलस्य और कमजोरी महसूस नहीं होगी जब हमारे शरीर में किसी चीज की कमी होती है, लेकिन अगर तुम अपने शरीर की कमी को ढूंढकर उसकी पूर्ति कर लेते हो तो तुम्हारे शरीर में फिर से ताकत आ जाती है। देखिए, शरीर की ताकत को बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी क्या है,
पहले उसके बारे में बात करते हैं। पहला, अगर आपके शरीर में लोहे की कमी है तो आपका शरीर कभी भी ऊर्जावान नहीं रह सकता है। अब इन चारों चीजों की कमी को पूरा करने के लिए आपको क्या करना होगा, उसे आप बड़े ही ध्यान से सुनो, हम बात करते हैं। सबसे पहले आयरन के बारे में। आयरन हीमोग्लोबिन का सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है। आयरन का काम ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाने का होता है। अगर शरीर में लोहे की कमी होती है तो व्यक्ति को एनीमिया हो सकता है। एनीमिया होने से शरीर में कमजोरी और सुस्ती छा जाती है। व्यक्ति पूरा का पूरा ढीला पड़ जाता है। उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता है क्योंकि उसके शरीर में जान ही नहीं बचती है। इसके साथ ही आयरन मांसपेशियों के लिए भी बहुत जरूरी है। आयरन शरीर में ऊर्जा के स्तर को बढ़ाता है, तो इतने सारे फायदे आपको आयरन से मिल जाते हैं। तो ऐसे में अब आयरन की कमी को कैसे पूरा किया जाए उसके बारे में जानते हैं। आयरन की कमी को दूर करने के लिए आप पालक और कद्दू के बीज खा सकते हैं। इन दोनों में ही आयरन की मात्रा जो होती है वह भरपूर मात्रा में होती है। आगे वह गुरु कहते हैं कि बच्चों, आपको पालक को कैसे खाना है ताकि आयरन की कमी दूर हो, उसके बारे में ध्यान से सुनो। वैसे तो पालक को खाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अगर आप पालक को सलाद के रूप में खाते हैं तो इसका सबसे ज्यादा फायदा आपको मिलता है। आप कच्चे पालक में नींबू का रस, टमाटर और अन्य सब्जियां मिलाकर सलाद के रूप में इसका सेवन कर सकते हैं। ऐसा करने से इसका स्वाद भी बेहतर होगा और यह और भी ज्यादा गुणकारी होगा। अगर आप इसे नहीं खा सकते हैं तो आप इसे पकाकर भी खा सकते हैं। अगर आप इसे पकाकर खाएंगे तो कच्चे पालक के मुकाबले आप पका हुआ पालक ज्यादा खा पाएंगे, जिससे आपको ज्यादा फायदे इसके मिलेंगे। आप इसे अलग अलग चीजों के साथ पकाकर खा सकते हैं, जैसे पालक पनीर, पालक पराठा या फिर पालक का सूप। इसके अलावा आप पालक का जूस बनाकर भी इसका सेवन कर सकते हैं। इसे अन्य फल और सब्जियों के साथ मिलाकर एक स्वस्थ और पोषक जूस भी आप बना सकते हैं। आगे वो गुरु कहते हैं कि बेटा, अगर आप पालक को नींबू के साथ, टमाटर के साथ या संतरे के साथ या फिर खट्टे फलों के साथ लेते हैं तो यह आपको और भी ज्यादा फायदा देता है। लेकिन अगर आप कुछ गलतियां करते हैं तो आप चाहे कितना भी पालक खा लें या फिर कुछ भी खा लें, आपके शरीर में आयरन की कमी कभी भी पूरी नहीं हो पाएगी। जैसे कि अगर आप भोजन के साथ चाय और कॉफी लेते हैं या फिर खाना खाने के तुरंत बाद आप चाय या फिर कॉफी पीते हैं, तो ऐसा करना आपके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि यह गलती आपके शरीर से आयरन को सोख लेगी और आयरन की कमी को कभी भी पूरा नहीं होने देगी। तो ऐसी गलतियां करने से आप बचें। आयरन की कमी को दूर करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। आइए अब जानते हैं हमारी दूसरी चीज, मैग्नीशियम के बारे में। इसका क्या महत्व है और इसकी कमी को दूर करने के लिए आपको क्या करना होगा। मैग्नीशियम आपकी मांसपेशियों की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। यह मांसपेशियों के तत्वों को सही ढंग से काम करने में मदद करता है, जिससे मांसपेशियों की ताकत और सहन शक्ति बढ़ती है। मैग्नीशियम एटीपी के निर्माण में मदद करता है, जो कि शरीर की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। पर्याप्त मैग्नीशियम के बिना ऊर्जा उत्पादन कम होता है, जिससे थकान और कमजोरी होती है। कुल मिलाकर मैग्नीशियम आपके शरीर में ऊर्जा बढ़ाने का और आपकी हड्डियों को ताकतवर बनाने का काम करता है। आगे वो गुरु कहते हैं कि बच्चों, मैग्नीशियम के लिए आप वैसे तो बहुत सारी चीजें खा सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण चीजों के बारे में बताता हूं जो आपको आसानी से मिल भी जाएगी और आपको ज्यादा फायदे भी देगी। जैसे कि मैंने आयरन की कमी को पूरा करने के लिए पालक और कद्दू के बीज बताए थे, वैसे ही ये दोनों चीजें आपको मैग्नीशियम की भरपाई करने में भी सहायता प्रदान करें। ये दोनों चीजें आप यहां भी खा सकते हैं। इनके अलावा आप और भी हरे पत्तेदार सब्जियां खा सकते हैं। नट्स और बीज में आप कद्दू के बीज, अलसी के बीज, तिल के बीज, चिया के बीज और बादाम खा सकते हैं। ये सभी चीजें आपको मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में देगी। इनके अलावा आप दाल में मसूर और चने की दाल भी खा सकते हैं। इनमें भी आपको मैग्नीशियम अच्छी मात्रा में मिलता है। इनके अलावा चावल, ओट्स और केले में भी आपको मैग्नीज अच्छी मात्रा में मिल जाता है। आप मैग्नीशियम की पूर्ति के लिए इन सभी चीजों में से कुछ भी खा सकते हैं। जो भी आप खाना चाहें वह आप खा सकते हैं। इन चीजों को खाकर आप मैग्नीशियम को बढ़ा सकते हैं और अपने शरीर में ऊर्जा और ताकत को बढ़ा सकते हैं। लेकिन कुछ गलतियां अगर आप यहां पर करेंगे तो आप चाहे कुछ भी खा लें लेकिन कभी भी मैग्नीशियम की पूर्ति नहीं कर पाएंगे और अपने शरीर की ताकत को कभी नहीं बढ़ा पाएंगे।
वह गलतियां निर्माण हैं। अत्यधिक शराब का सेवन करना, ज्यादा कैफीन का सेवन करना, गलत चीजें जैसे जंक फूड, फास्ट फूड का सेवन करना आपके मैग्नीशियम स्तर को नहीं बढ़ने देता है। इसके अलावा अगर आप मीठी चीजें ज्यादा खाते हैं तो वह भी आपके लिए ज्यादा नुकसानदायक होती है, क्योंकि अत्यधिक चीनी का सेवन शरीर में मैग्नीशियम की कमी का कारण बनता है, क्योंकि चीनी के पाचन के लिए अधिक मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है। ऐसे में अगर आप चीनी का ज्यादा सेवन करेंगे तो उसको बचाने में शरीर का बहुत सारा मैग्नीशियम लग जाएगा और शरीर में मैग्नीशियम की कमी हो जाएगी। तो मैग्नीशियम को बढ़ाने के लिए जो मैंने चीजें बताई हैं उनमें से दो या फिर तीन चीज का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, और जो गलतियां आपके शरीर से मैग्नीशियम को नष्ट करती हैं उनको आपको छोड़ना होगा। इसके आगे वो गुरु कहते हैं कि आइए अब जानते हैं विटामिन डी को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना होगा और विटामिन डी का हमारे शरीर की ऊर्जा और ताकत बढ़ाने से क्या नाता है। देखिए बच्चों, अगर किसी व्यक्ति की हड्डियां मजबूत हैं तो उस व्यक्ति का शरीर भी मजबूत है। विटामिन डी आपकी हड्डियों को मजबूत करता है क्योंकि यह कैल्शियम अवशोषण का काम करता है, और अगर आपके शरीर में कैल्शियम अच्छे से लगेगा तो आपकी हड्डियां मजबूत होगी। पर्याप्त विटामिन डी के बिना कैल्शियम का अवशोषण कम हो सकता है, जिससे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और फ्रैक्चर होने का खतरा बढ़ जाता है। विटामिन डी ऊर्जा स्तर को बढ़ाने में काफी मदद करता है। विटामिन डी ह्यूमन सिस्टम को मजबूत करता है। एक मजबूत ह्यूमन सिस्टम शारीरिक थकान और बीमारियों से बचाने में मदद करता है, जिससे शारीरिक ताकत बनाए रखने में सहायता मिलती है। आगे वह गुरु कहते हैं कि बच्चों, विटामिन डी के लिए सबसे बढ़िया स्रोत सूर्य का प्रकाश है। यह एक प्राकृतिक तरीका है विटामिन डी की आपूर्ति करने का। लेकिन सूर्य का प्रकाश किस समय ले, कितना ले और कैसे ले, यह सब जान लेना भी बहुत जरूरी हो जाता है। बिना यह जाने आप सूर्य प्रकाश का लाभ लेने की जगह नुकसान की चपेट में आ सकते हैं। सबसे पहले इसका सही समय क्या है उसके बारे में जानते हैं। विटामिन डी के लिए सबसे अच्छा समय सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक होता है। इस समय के दौरान सूर्य की यूवीबी किरणें सबसे ज्यादा प्रभावी होती हैं, जो विटामिन डी उत्पादन में मदद करती है। और अगर बात करें इसकी अवधि की तो यह अलग अलग त्वचा के लिए अलग अलग रखी गई है। गोरी त्वचा वाले लोगों को लगभग 10 से 30 मिनट प्रतिदिन सूर्य के प्रकाश में रहना चाहिए, और सांवली या फिर गहरी त्वचा वाले लोगों को अधिक समय लगभग 30 मिनट से लेकर 2 घंटे तक सूर्य के प्रकाश में बिताने चाहिए, क्योंकि उनकी त्वचा में मेलानिन्स ज्यादा होता है जो विटामिन डी के उत्पादन को धीमा करता है। हर दिन त्वचा के हिसाब से 10 से लेकर 30 मिनट तक सूर्य से प्रकाश लेना उचित माना गया है। ये काम आप हर रोज कर सकते हैं, लेकिन अगर संभव ना हो तो हफ्ते में 3 से 4 बार अवश्य करें। और अंत में हम बात करते हैं कि सूर्य का प्रकाश हमें कैसे लेना चाहिए। तो उसके लिए आपको अपने चेहरे, हाथ और पैरों को बिल्कुल सीधा सूर्य की रोशनी के संपर्क में रखना होगा। आपका चेहरा, हाथ और पैरों पर किसी भी तरह का कोई भी कपड़ा नहीं होना चाहिए। विटामिन डी प्राप्त करने के लिए सूर्य के प्रकाश का उचित प्रयोग करने से हड्डियों और मांसपेशियों की ताकत बढ़ाने में मदद मिलती है। सही समय, अवधि और आवृत्ति का पालन करके आप स्वस्थ विटामिन डी का स्तर बनाए रख सकते हैं। इस तरह से आप विटामिन डी की आपूर्ति कर सकते हैं और अपने शरीर को ताकतवर और ऊर्जावान बना सकते हैं। इसके बाद वह गुरु अपने सभी शिष्यों को कहते हैं कि बेटा, आप जानते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में कि कैसे आपके शरीर में ऊर्जा को बढ़ाने में सहायक होता है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा ताकि इसकी कमी आपके शरीर में कभी ना हो। देखिए बेटा, ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए चीजें बहुत हैं, लेकिन आज मैं तुम्हें जो बताऊंगा वह सबसे बढ़िया और सबसे ज्यादा फायदा देने वाली है। ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी वस्तु है अलसी के बीज। इनका सेवन आपके लिए सबसे ज्यादा प्रभावी होगा, क्योंकि इससे बढ़िया चीज कोई भी नहीं है जो आपके शरीर में ओमेगा 3 फैटी एसिड को बढ़ा सके। अलसी के बीजों का सेवन करने के लिए सुबह का समय सबसे बढ़िया होता है, और अगर आप इसका इस्तेमाल खाली पेट करते हैं तो इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। और आप इन बीजों का इस्तेमाल सावधानी से करें, क्योंकि साबुत बीजों को पचाना हमारे पेट के लिए थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन अगर आप इन बीजों को पीसकर इस्तेमाल करते हैं तो ये पचने में सरल हो जाते हैं। इसका प्रयोग आप सुबह खाली पेट दही के साथ कर सकते हैं।
इसके अलावा आप पानी के ग्लास में थोड़ा सा इसका पाउडर डालकर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप सलाद और सब्जी में मिलाकर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने आटे में इसका पाउडर मिलाकर भी इसकी रोटी बनाकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह भी आपके लिए सबसे बढ़िया होगा। इस तरह से आप अपने शरीर में ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी को पूरा कर सकते हैं और ऐसा करके आप अपने शरीर से इन चारों चीजों की कमी को पूरा कर पाएंगे और आपके शरीर को ऊर्जा और ताकत से भर पाएंगे और आपके शरीर की ऊर्जा और ताकत मात्र 10 दिन में बढ़ने लगेगी। आगे वह गुरु कहते हैं कि बच्चों, मैंने आपको यह तो बता दिया है कि अपने शरीर की ताकत को और ऊर्जा को बढ़ाने के लिए आपको क्या खाना चाहिए, लेकिन अब बेटा मैं आपको यह बताने वाला हूं कि आप ऐसा नुस्खा तैयार करके जिसमें यह सभी पोषक तत्व हो, जिससे एक बार में ही आपका शरीर सारी चीजों की पूर्ति कर पाए। बेटा, इसके लिए मैं तुम्हें एक नुस्खा बताता हूं। उसके लिए तुम्हें 1 कप ओट्स चाहिए, 1/4 पीसे हुए अलसी के बीज, 2 टेबलस्पून चिया सीड्स, 1/2 कप पीनट बटर, 1/2 कप शहद और 1/2 कप सूखे मेवे जिसमें काजू, बादाम और अखरोट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इन सभी चीजों को लेने के बाद सबसे पहले अलसी के बीजों को, सूखे मेवे को, चिया सीड्स को मिक्सी की मदद से पीस लें। इसके बाद इसमें शहद और पीनट बटर को डाल दें। इसके बाद इन सभी को अच्छे से मिला लें और मिलाने के बाद इन्हें मिक्सी से बाहर निकाल लें और इनकी छोटे छोटे टुकड़े करके इनकी गोलियां बना लें। सभी गोलियां बनने के बाद इन्हें 1 प्लेट में डालकर थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें ताकि यह अच्छे से सेट हो जाए और इनका सेवन आप रोजाना सुबह खाली पेट कर सकते हैं और गोलियां खत्म होने के बाद आप इन्हें वापस से फिर से बना सकते हैं। इन गोलियों से आपको स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारे लाभ मिलेंगे क्योंकि इनमें बहुत सारे पोषक तत्व मौजूद हैं, जैसे कि इसमें प्रोटीन है, पीनट बटर और सूखे मेवे प्रोटीन से भरपूर होते हैं जो मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। इनमें फाइबर भी मौजूद है। अलसी के बीज और चिया सीड्स फाइबर प्रदान करते हैं जो पाचन तंत्र को स्वस्थ रखते हैं। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भी मौजूद है। अलसी के बीज और चिया सीड से मिलने वाले ओमेगा 3 फैटी एसिड शरीर की सूजन को कम करने और ऊर्जा को बढ़ाने में सहायक होते हैं। तो इस तरह से आप अपने शरीर को पूरी तरह से ऊर्जावान बना सकते हैं और अपने शरीर की कमजोरी को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताएं और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।